देखो तो बहुत सारा लोगों का, बहुत सारा मतलब कुछ कुछ लोगों का कहना होता है कि पेपर वर्क के साथ अगर आप थोड़ा सा समझा देते तो अच्छा होता, वो सही है। तो देखो जितना मिल रहा है आप उससे संतुष्ट रहो, खुश रहो, मैं चाहता हूँ। क्योंकि पेपर वर्क से अगर आपको वीडियो मिल जाएगा और यूट्यूब से ही आपको मिल गया, मिल जाते रहे, तो ये मेरे ऊपर प्रेशर क्रिएट हो सकता है, मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो एक चीज़ आप समझ जाओ कि सब कुछ फ्री में आप नहीं सीख सकते हो यूट्यूब से, क्योंकि बहुत सारा लोग ऐसे लाखों करोड़ों खर्चा करके इंस्टीट्यूट बना के बैठा हुआ है। तो सब कुछ अगर फ्री में मिल जाएगा तो कुछ कुछ चीज़ का जो कदर नहीं रहता है। तो अब देखो, अब केस स्टडी अब एक बनेगा, तो मैं ऐसे ऐसे वीडियो को समझाता हूँ, इसमें पेपर वर्क्स मतलब स्कीमेटिक की ज़रूरत होता ही नहीं है। पर कुछ कुछ लोग जो प्रोफेशनल काम करते हैं उनको, मतलब वो पहले से ही पेपर वर्क करके ही कुछ सीखे हैं और थोड़ा थोड़ा देख के आप नॉलेज को अपग्रेड कर रहे हो, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है भाई, क्योंकि आप तो पहले से ही पेपर वर्क करके कहाँ से ना कहाँ से सीखे हो, जहाँ से भी सीखे हो, उन लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता है। पर जो बहुत सारा लोग है, 90% लोग हैं जो पेपर वर्क मतलब इंस्टीट्यूट में सीखा ही नहीं है, कहीं पर भी यूट्यूब देख के ही गुजारा करते हैं इसी से ही, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज है, अच्छा खासा नॉलेज है इसके ऊपर, तो यूट्यूब देख के हो जाता है। तो अभी देखो, अभी ये केस स्टडी बनेगा, इसको पेपर वर्क में जाए तो क्या हो सकता है, अगर नॉन पेपर वर्क में अगर करें तो क्या हो सकता है। तो देखो, पेपर वर्क तो मुझे भी करना होता है, क्योंकि बिना पेपर वर्क के तो कुछ भी, कोई भी काम नहीं होता है, क्योंकि ये तो कोई सर्किट में तो लिखा नहीं है, यहाँ से वोल्टेज जाएगा, यहाँ से जाएगा, भाई देख लो मैं यहाँ हूँ, वोल्टेज तो सिग्नल नहीं देता है, भाई मैं यहाँ हूँ देख लो, ऐसा कुछ नहीं है, सबको ही करना पड़ता है जो जो मतलब काम करते हो। पर देखो मैं अच्छे से समझाता हूँ एक चीज़, अभी एक बात करते करते समझाता हूँ। तो ये एक बोर्ड है, ये देखो यहाँ पर PS1 का वोल्टेज आ चुका है। अब ये है इसका फ्रंट पैनल, तो इसको मैं अगर टिगर दूँ, ये देखो ये बोर्ड टिगर नहीं लेता। अब अगर मैं रीसेट बटन को थोड़ा सा प्रेस करके छोड़ दूँ, तो ये बोर्ड ऑन होके ऑफ हुआ, फिर ये चलेगा। देखो ये चल गया, पर कुछ कोड पे रुका हुआ है, इसमें डिस्प्ले नहीं आएगा, क्योंकि रिसेट से मैंने बोर्ड को ऑन किया है, तो 55 कोड जनरेट होके बंद हुआ है। तो चलो फिर से एक बार ऑफ करते हैं, तो इस लाइट को हम जाने देंगे। तो देखो लाइट चला गया, फिर से हम पावर देते हैं और फिर से हम फ्रंट पैनल पे आते हैं, इसका ये आ गया फ्रंट पैनल, ये हमने फिर से टिगर दिया, दिख रहा है ना आपको, पास से देखो ताकि समझ जाओ आप भी। हाँ क्लियर हो गया, तो ये देखो इसका फ्रंट पैनल, ये देखो लेता नहीं है, लेता नहीं है टिगर। अब ये रिसेट को एक बार हल्का सा प्रेस कर दूँ, तो ये ले लिया, फिर एक बार चल के ऑफ हो गया, फिर चलेगा, चल रहा है, पर डिस्प्ले आए ना आए वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो अभी ये 55 पे है, चलो डिस्प्ले हम ला के देखेंगे बाद में। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक मैं भी देख रहा था इसमें क्या हो रहा है ये। अच्छा ये कार्ड रहने देता हूँ, फिर से लास्ट टाइम और एक बार टिगर देके दिखा देता हूँ, क्लियर दिख रहा है, ये देखो ये लेता नहीं है, बोर्ड ऑन है अभी यहाँ पर। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, SMPS ऑफ था, फिर से मैंने पावर दिया SMPS में, तो इस कार्ड को हटा के इसको अगर डालेंगे तो आसान हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर PS1 है, अभी वोल्टेज आ गया, तो अभी हम ये फ्रंट पैनल दबाए तो इसका कोई असर नहीं है, और रिसेट हम दबा के छोड़े तो थोड़ा सा ऑन हो गया, फिर दोबारा ये ऑन हो रहा है, पर डिस्प्ले आ नहीं रहा है। अभी देखो 00 कोड पे ये चल रहा है, पर डिस्प्ले नहीं आएगा। तो इस पोर्ट में 00 कोड ही आएगा, चलो छोड़ो, इस कार्ड में, इस आसूस का बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आता। अब हो क्या रहा है, इसका इसका प्रॉब्लम जो है इसका RTC सेक्शन से ही प्रॉब्लम हो रहा है। अब इसको अगर मैं बना के दिखाऊं बोर्ड को, तो मुझे ये जो सीमोस का सेल है इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर एक ऑक्सिलरी वोल्टेज जो है फेल हो रहा है, जिसके वजह से ये टिगर नहीं ले रहा है, तो वही मैं दिखाता हूँ।
तो इसको अगर पेपर वर्क करे तो ढूंढ ढूंढ के हमको वो ही रजिस्टर ही मिलेगा। मतलब आधा घंटा मैं वीडियो लॉन्ग कर दूंगा एक रजिस्टर के चक्कर में। अब इससे किसको क्या मतलब डिटेल्स में सीखने को मिलते हैं मुझे पता नहीं। मैं एक चीज़ ढूंढ लिया है या फिर मैंने टाइम वेस्ट करके ढूंढा, अब मैं शॉर्ट टाइम में दिखा रहा हूँ, इससे काम नहीं बन रहा है भाई कुछ कुछ लोगों का। तो भाई इससे काम चलाओ, आपको अगर पेपर वर्क ही करना है तो कहीं पे अच्छे जगह पे जाओ, सीखो पेपर वर्क के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं प्रॉब्लम कहाँ पर है बस वही फाइंड आउट करके आपको सोल्यूशन बता के दिखा रहा हूँ। अगर सेम केस स्टडी सेम बोर्ड के साथ आपके साथ कभी भी आ जाए केस, सेम केस, तो क्या है आप इजीली सॉल्व कर लोगे अगर यहीं से प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि मैं जो भी वीडियो से मतलब अपलोड करता हूँ बनाता हूँ वो सारा वीडियो जेन्युइन होता है, ये इतना तो पता जो जो मेरे चैनल पे ये सबको है। क्योंकि ज़्यादा कम सबको पता होता है कि वीडियो में क्या सच्चाई होता है और क्या एडिटिंग होता है, ये सबको पता होता है क्योंकि वीडियो देखने में हम माहिर है, सारा दिन भर फेसबुक में पड़े रहते सभी लोग। तो देखो अभी इसको पेपर वर्क में जाए तो आधा घंटा में टाइम वेस्ट करने के बाद मुझे ये एक रजिस्टर मिलेगा, ये वेट करो। ये क्लियर ही नहीं हो रहा है भाई। हाँ हुआ, तो देखो मैं खुद ही देख नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं पेपर वर्क पे जाऊँ तो मुझे ये एक रजिस्टर जो आपको दिख रहा है, ये वाला रजिस्टर। अब इसमें से भी बहुत सारा लोग कमेंट करेगा कौन सा रजिस्टर है, क्या नंबर है, मतलब सारे आँख अंधा है सब। अभी देखो मैं इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन करे तो मैं जवाब नहीं देने वाला हूँ, ताकि इसके लिए वीडियो को ध्यान से देखो। और पहले तो बोर्ड देख लो भाई, बोर्ड कौन सा है पहले देख लो, ठीक है। दूसरा बोर्ड पे काम करेगा नहीं करेगा वो रजिस्टर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रजिस्टर साइज में छोटा हो जाएगा, जगह प्लेस किसी अनदर प्लेस में होगा। B150M+ आसूस का, ठीक है। अब मैं क्लियरली दिखा देता हूँ इसके ऊपर रजिस्टर कहाँ है, नंबर क्या है। कोई क्वेश्चन किया तो मैं आंसर नहीं दूंगा, ठीक है। ये है रजिस्टर, ये है रजिस्टर, ये वाला, ठीक है। अब क्लियर देख सकते हो, ये है रजिस्टर। और भी क्लियर दिखाऊंगा, वीडियो वेस्ट करूंगा टाइम, पर आप अच्छे से देख लो ताकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन ना करना पड़े कि कौन सा रजिस्टर है, कहाँ मिलेगा, नंबर क्या है। ये देखो ये है हमारा RTC का डायोड, इसके सामने ही एक बड़ा वाला रजिस्टर मिलेगा। ये कितना, इसका वैल्यू क्या है अभी तक मैंने देखा नहीं है पर होगा कुछ। तो देखो ये है हमारा RTC डायोड 3 लेग का, उसके सामने ही एक बड़ा वाला रजिस्टर मिलेगा। यही रजिस्टर अगर फॉल्टी है तो आपका इस बोर्ड में नो पावर, मतलब नो टिगर नहीं लेगा, रिसेट से ऑन होगा टिगर नहीं लेगा। तो दूर से अगर हम देखें तो दूर से तो रजिस्टर दिख नहीं रहा है, और भी पास से देखें ये देखो ये है रजिस्टर, ये वाला, ठीक है, ये वाला रजिस्टर। तो अभी देखो प्रॉब्लम इसका कहाँ पर है, दिखाते हैं, वेट करो। DC20 बोर्ड में अभी पावर है, ठीक है। ये देखो पावर दे के रखा था। अब ये ऑन करता हूँ बोर्ड को। अच्छा एक सेकेंड, इसका ये है इनपुट 3.2 वोल्ट, आउटपुट में कोई भी वोल्टेज नहीं है। तो देखो इसका इसका इनपुट में जो वोल्टेज है, मैं दिखाता हूँ आपको, तो रजिस्टर दिखा दिया, अभी मैं चेक कर रहा हूँ। ये देखो मल्टीमीटर फॉलो करो, ये इसका इनपुट में 3.23 वोल्टेज है और आउटपुट में हम देखें तो कुछ भी वोल्टेज नहीं है, मतलब रजिस्टर से वोल्टेज पास ही नहीं हो रहा है, इसीलिए ये बोर्ड यहाँ से ट्रिगर नहीं ले रहा है। अभी देखो बोर्ड में मैंने पावर डाल के रखा है, ये देखो। तो
तो इसलिए बोर्ड टिकट नहीं ले रहा है। अभी इस रजिस्टर को आप बदल दो, रिप्लेस करो, जो भी करो, ये आप जो भी करोगे, ये सॉकेट को आपको पहले रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो ये सॉकेट ख़राब हो जाएगा। आपके पास अगर अच्छा वाला सोल्डरिंग स्टेशन है तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास है, मैं लगा दूंगा, सॉकेट को रिमूव करना नहीं पड़ेगा। तो देखो, लगाने से पहले, लगाने जाऊंगा तो लॉन्ग हो जाएगा, तो देख लो एक बार। अभी देखो, ये हो गया हमारा फोन पैनल। फिर से मैं, ये देखो, टिगर दिया, बोर्ड चल नहीं रहा है। फिर से दोबारा एक बार देख लो। तो रिसेट पे हम अगर थोड़ा सा टच करेंगे, कहाँ गया, रिसेट पे टच करने से अभी तो चल नहीं रहा है। तो देखो, पावर यहाँ से अभी ऑन होगा, एक सेकेंड में दिखाता हूँ। ये है रजिस्टर, ये देखो, ये है रजिस्टर। इसको अगर हम शॉर्ट करें तो फ्रंट पैनल से ही हमारा बोर्ड ट्रिगर लेना चालू हो गया। तो अभी इसमें कोड नहीं आएगा, इस कार्ड से कोड नहीं आएगा, तो मैं इस कार्ड को डालता हूँ। तो प्रॉब्लम हमारा बोर्ड पे कहाँ पर हो रहा है, एक रजिस्टर कटने के वजह से, मतलब इसका वैल्यू लो हाई होने के वजह से, मतलब बोर्ड नो पावर में भी चला जाता है। ये मैंने बहुत सारा वीडियो में बता के रखा है, अलग अलग मदरबोर्ड में, अलग अलग सीरीज के, और इस सीरीज पे भी ये एक प्रॉब्लम है जो मैं फिर से डिस्कशन कर रहा हूँ। तो देखो, ये है, पावर दिया, तो देखो यहाँ पर टिगर नहीं ले रहा है बोर्ड। वीडियो क्लियर है? हाँ, ये है, टिगर नहीं ले रहा है। तो अभी हम वो जो रजिस्टर है, इसको अगर हम 3.2 वोल्ट पास कर दे, ये है यहाँ आपका ऑक्सिलरी वोल्टेज, तो अगर पास कर दे तो ये ले लिया हमारा बोर्ड में टिगर। बोर्ड में अभी 55 का इरर क्या है भाई, ये मुझे नहीं पता है, रैम का ही होगा। तो एक बार हम इसका रैम खोल के देखते हैं, ये रैम का इरर है कि नहीं, पर बीप तो होना चाहिए था। फिर से देखो, मैं बोर्ड को ऑन कर रहा हूँ। हाँ, ये रैम का अभी तो 53 है, रैम का इरर है। तो चलो किसी दूसरे स्लॉट पे रैम लगा दे के देखते हैं कि रैम का इरर है कि नहीं। ये है, हो गया। तो फिर से मैं पावर दिया, यहाँ पर फॉलो करो, लाइन आ चुका है हमारा डिबग कार्ड में, PS ON। तो हम टिगर दे रहा है, देखो नहीं लेगा, जब तक हम इस रजिस्टर को शॉर्ट नहीं करेंगे, मतलब 3.2 वोल्ट पास नहीं करेंगे, तब तक ये, अभी देखो टिगर ले लिया। तो देखो डिस्प्ले का बीप आएगा, मतलब उस रैम स्लॉट में कुछ दिक्कतें था, तो डिस्प्ले में बीप आने के बाद मैं छोड़ता हूँ ट्वीज़र को। ये देखो बीप दिया, अभी ट्वीज़र में हटा देता हूँ, अभी रहेगा ये डिस्प्ले, रहेगा जब तक ये बोर्ड चलेगा, डिस्प्ले बोर्ड में रहेगा। अभी देखो, USB मैंने लगा के रखा है, ये देखो डिस्प्ले बोर्ड में आ चुका है, ये अभी ऑफ नहीं होने वाला। जब भी आप बोर्ड ऑफ कर दोगे दोबारा ये टिगर नहीं लेगा। ये देखो डिस्प्ले आ चुका है, यही बोर्ड में ही USB लगा हुआ है, ये देखो, ये देखो यहाँ पर USB लगा हुआ है, ठीक है, ये देखो। तो अभी हम दोबारा इसे ऑफ कर देते हैं और टिगर कर देंगे, तो बोर्ड टिगर नहीं लेगा। तो देखो, ये वीडियो भी आपको फ्री मिल गया, ये सब वीडियो पेड में होना चाहिए, फिर भी एक लाइक नहीं बनता है, पर दिन ब दिन जा रहा है, मतलब इंसान के, मतलब कॉमन सेंस सारा गायब हो रहा है दिन ब दिन। और सबसे बड़ी बात है, फ्री कुछ चीज़ का कदर नहीं होता है, वो बहुत सारा लोगों ने कह के रखा है। तो देखो, ये फिर से टिगर दिया। तो देखो, जिस दिन मैं प्रोफेशनल बन जाऊंगा ना, जिस दिन मैं प्रोफेशनल, अभी तक तो मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो जिस दिन मैं प्रोफेशनल बन जाऊंगा, ये वीडियो देखने के लिए भी आपको पैसा लगेगा, मतलब जो भी वीडियो मेरा आएगा देखने के लिए पैसा लगेगा। तो दुआ करो कि मैं प्रोफेशनल ना बनूँ, तो जब तक फ्री मिल रहा है एक लाइक करके जाओ। जिस दिन मैं प्रोफेशनल बन गया उस दिन से मतलब पैसा लगेगा, कुछ भी फ्री नहीं मिलेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं प्रोफेशनल बनूँ। तो अभी देखो, फिर से ये टिगर नहीं ले रहा है, फिर से हम इसको शॉर्ट करेंगे, मतलब वो जो रजिस्टर था, और फिर से हम यहाँ पर टिगर देंगे तो बोर्ड में टिगर ले लेगा। अभी इसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्ले जनरेट हो जाएगा। ये देखो बीप दिया, कीबोर्ड पे भी लाइन आ चुका है, मॉनिटर BGA पे भी लाइन आ चुका है।
तो यही है बात, ये छोटा सा एक केस स्टडी है और रजिस्टर को मैंने बारी बारी से दिखा दिया है कौन सा है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे, और रजिस्टर का वैल्यू मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ बाद में, ठीक है? क्योंकि वो तो कटा हुआ है, वो मुझे चेक करके वैल्यू नहीं मिलेगा, या तो बहुत ज़्यादा मिलेगा या फिर बहुत कम। तो इसका वैल्यू चेक करके मुझे अभी बता के हीरो बनने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। तो उसका वैल्यू क्या है स्कीमेटिक देख के मैं बाद में डाल देता हूँ, ठीक है? तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे। लव यू ऑल, जय हिंद।